अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। आज की ये वीडियो है सीएस 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के पहले जीडीबी के बारे में। मिड टर्म के बाद आपकी पहली एक्टिविटी ओपन हो चुकी है। 27 दिसंबर को इसको शेड्यूल तो कर दिया गया है, यानी आपके सामने क्वेश्चन दे दिया गया है, लेकिन इसकी ओपनिंग डेट है 4 जनवरी। यानी 4 जनवरी और 5 जनवरी, 2 दिन है आपके पास। 2 दिनों के अंदर अंदर आप इसका जो आंसर है वो सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको पहले ही दे दिया गया है। ठीक है, 5 नंबर का ये जीडीपी होगा। जीडीपी की स्टेटमेंट आपको सामने है। मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करूंगी, एज यूजल मैं आपको सारी बात समझाऊंगी कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फिर मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करने के साथ साथ आंसर समझाऊंगी भी, आंसर को कैसे लिखना है सब कुछ बताऊंगी। उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है। इसलिए वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपसे डिमांड क्या की गई है, आपकी जीडीपी की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या। अच्छा ठीक है, पहली बात ये कि क्योंकि ये सीएस 101 जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों का ये होता है सब्जेक्ट, और जीडीपी और असाइनमेंट का फर्क आपको पता होना चाहिए। कि मतलब जीडीपी और असाइनमेंट में नॉर्मली वैसे कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। इसको भी आपने बनाना है, उसका भी आपने आंसर लिखना होता है, इसका भी आपने आंसर लिखना होता है, लेकिन सिर्फ ये होता है कि जीडीपी में मोस्टली आपसे आपकी राय मांगी जाती है, जबकि असाइनमेंट में नॉर्मली एक क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको जो है वो आपके हैंड आउट से मिल जाता है, जबकि जीडीपी में आपसे एक कंसेप्चुअली एक सिचुएशन दी जाती है जिसपे आपकी राय मांगी जाती है। ठीक है, बस ये फर्क होता है मेनली, और इतना ज्यादा फर्क नहीं होता है इसमें। ठीक है, और इस कोई अलग चीज नहीं है, एक असाइनमेंट की तरह ही एक चीज है ये। अब आगे चलते हैं कि जीडीपी में आपसे पूछा क्या गया। जीडीपी में वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो एक नेशनल सोशल मीडिया ऐप लॉन्च करेगी। ठीक है, कि नेशनल लेवल पे एक ऐप बनाया जाए सोशल मीडिया पे। क्यों बनाया जाए? ताकि उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके यूजर्स के दरमियान। ठीक है, और अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। अब ये ऐप इस जो है वो तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस पे यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करें सारे यूजर्स। ठीक है, और अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन शेयर होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। अब ये मकसद है हुकूमत का और ये ऐप बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं कि द ऐप विल स्पेसिफिकली इंक्लूड द फॉलोइंग फीचर्स। उसके कुछ फीचर्स भी होने चाहिए। सबसे पहला क्या है कि यूजर्स मस्ट रजिस्टर यूजिंग देयर सीएनआईसी नंबर फॉर ऑथेंटिकेशन। कि जो भी यूजर उसको यूज करेगा, सबसे पहले उसको ऑथेंटिफाई करने के लिए कि वो मतलब असल बंदा है, अपना सीएनआईसी नंबर उसे देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है कि द प्लेटफॉर्म अलाउ यूजर्स टू शेयर वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन थ्रू पोस्ट ऑन द ऐप। ठीक है, कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये अलाउ करेगा यूजर्स को कि वो उस ऐप के जरिए जो अच्छी इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होगी वो पोस्ट कर सकेंगे उसके ऊपर। तीसरी चीज उन्होंने बोली है कि मल्टीपल यूजर्स हैव द ऑप्शन टू रिएक्ट टू द पोस्ट। यानी अगर एक बंदे ने की है पोस्ट, अगर वो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो बाकी जो यूजर हैं वो उस पोस्ट पर रिएक्ट कर सकेंगे, एक्सप्रेस कर सकेंगे अपना फीडबैक कॉमेंट्स करके, लाइक करके। ठीक है, चौथी बात उन्होंने कहा है कि यूजर कैन इनिशिएट रियल टाइम चैट बाय सेंडिंग चैट्स रिक्वेस्टिंग टू ईच अदर फैसिलिटेटिंग इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन ऑन द प्लेटफॉर्म। यानी कि उस जो ऐप के जरिए ही यूजर्स एक दूसरे से बात भी कर सके, रियल टाइम चैट भी कर सके। यानी एक ने अगर कोई उसमें कॉमेंट किया तो दूसरा उसका जवाब भी दे सके। ठीक है, अब ये ऐप यानी ऐसा होना चाहिए, और ये सारे उसके फीचर्स हैं, ये उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया। अब मजीद उन्होंने हमसे रिक्वायरमेंट क्या किया, वो कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट अ नेटवर्क मॉडल। आप हमें नेटवर्क मॉडल सजेस्ट करें दैट कैन बी यूज्ड फॉर द मेंशनड सोशल मीडिया ऐप। यानी ये सोशल मीडिया ऐप बनाने के लिए हमें कौन सा नेटवर्क मॉडल यूज करना चाहिए, ये आप हमें सजेस्ट करें। यू आर आस्क्ड टू चूज फ्रॉम द फॉलोइंग नेटवर्क मॉडल्स। आपको नीचे 2 मॉडल्स दिए गए हैं, उनमें से एक आपने चूज करना है। Also provide a brief and to the point justification in support of your preferred choice. और जो choice आप देंगे फिर आपने उसके हक में अपनी justification भी देनी है। सिर्फ ये नहीं बता देना कि जी मैं कहती हूँ कि ये वाला choose कर लें, नहीं, आपने क्यों ये choose किया है उसकी एक मुख्तसर और एक to the point यानी इधर उधर की बात नहीं करनी, to the point justification भी देनी है। ठीक है, मॉडल आपको 2 दिए गए हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल। अब ये जो दोनों मॉडल हैं इनके बारे में आपने अपने मिड टर्म के सिलेबस के अंदर क्लियरली पढ़ लिया हुआ है कि ये दोनों क्या होते हैं। ठीक है, अब आगे जो इन्होंने क्वेश्चन तो हमें ये दिया हुआ है, उसके बाद नीचे लिखते हैं कि इना जो यहाँ पे इना क्लाइंट सर्वर मॉडल अ सिंगुलर प्रोसेसर एक्ट एज द क्लाइंट मेकिंग रिक्वेस्ट टू एन अदर प्रोसेस डेजिग्नेटेड एज अ सर्वर।
ठीक है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है कि एक क्लाइंट जो होता है वो मतलब एक सिंगुलर मतलब बंदा जो होता है या प्रोसेस जो होता है वो एक क्लाइंट की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो सर्वर की तरह मतलब आगे से उस प्रोसेस का जवाब देता है। जबकि पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होता है कि दोनों तरफ म्यूचुअली एक दूसरे को सर्विसेज फराहम की जा रही होती है। मजीद मैं आपको समझा देती हूँ कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में और पीयर टू पीयर मॉडल में क्या फर्क है। फिलहाल हम उनकी तरफ से दी हुई इन्फॉर्मेशन को सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसके अलावा उनके इंस्ट्रक्शन हैं एज जो आपको पता ही है। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन का आंसर ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए, इररेलीवेंट बातें आपने नहीं करनी वरना मार्क्स कट जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल आपके पास पहले दो होते थे लेकिन इस बार सिर्फ एक है कि टाइम न्यू रोमन ही यूज करना है और फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बाकी वही बातें की हुई है कि आपने एमडीबी पे नहीं बल्कि जीडीबी जहाँ दिया गया वहीं पे आंसर सबमिट करना है और कहीं से कॉपी वगैरह करके नहीं लिखना वरना मार्क्स जीरो होंगे। अच्छा, मैं आपको आंसर समझाने से पहले पहले ये समझा देती हूँ कि जरा कि क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल होता क्या है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर्स आपके सामने दी है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में ये होता है कि ये जैसे दरमियान में एक सर्वर और बाकी सारे क्लाइंट्स है, सारा जो कंट्रोल होता है ना, जो सारा काम करना होता है वो सर्वर के पास होता है, सर्वर का सारा कंट्रोल होगा, क्लाइंट्स इसको काम कहेंगे और सर्वर ही सारे काम करेगा, ठीक है। तो क्लाइंट सारे इसको इंटरेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से होता है। जबकि पीयर टू पीयर मॉडल में ऐसा नहीं होता। पीयर टू पीयर मॉडल में ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, सबके पास कंट्रोल होता है, सबके पास सॉफ्टवेयर होता है, सब ही एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ सर्वर कर सकता है क्लाइंट्स के लिए काम, लेकिन पीयर टू पीयर मॉडल में सारे ही सबके पास अथॉरिटी होती है, सबके पास ही काम करने की एबिलिटी होती है, मेनली ये फर्क होता है। मजीद अगर मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो मैं ये एक टेबल बनाया है यहाँ पे जो मेनली आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको मजीद समझ में आएगी कि जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है इसमें सर्वर हैज द कंट्रोल एबिलिटी वाइल क्लाइंट डोंट, कि सर्वर के पास कंट्रोल की एबिलिटी होती है जबकि क्लाइंट के पास नहीं होती। यहाँ पे देखें कि सर्वर के पास सब कुछ है, क्लाइंट ने सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करना है कि ये काम होना चाहिए, जबकि पीयर टू पीयर मॉडल में सारे कंप्यूटर्स के पास इक्वल एबिलिटी होती है काम करने की, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे केबलिंग कॉस्ट की है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में जरा केबलिंग कॉस्ट जो है वो हायर लगती है लेकिन पीयर टू पीयर मॉडल में चीपर होती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास तो ये गवर्नमेंट बनवा रही है और गवर्नमेंट ने जब काम करना है तो फिर उन्होंने कॉस्ट की तो बात की ही नहीं है, तो हमें कॉस्ट का तो कहा ही नहीं गया कि कॉस्ट का ख्याल रखना है। तीसरी चीज जो होती है इट इज यूज इन स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क्स, कि ये छोटे नेटवर्क्स में भी यूज हो जाता है क्लाइंट सर्वर मॉडल और बड़े बड़े नेटवर्क्स में भी, जबकि पीयर टू पीयर मॉडल सिर्फ स्मॉल नेटवर्क्स में यूज होता है 10 से कम कंप्यूटर्स में। जबकि हमने जो बनानी है ऐप, आपने मैंने आपको शुरू में बताया कि वो नेशनल लेवल पे ऐप बनने वाली है, पूरे मुल्क के लोगों ने उस पे जो है वो अपने क्वेश्चन अपने पोस्ट सबमिट करनी है, तो इस हिसाब से हमने क्या किया देखा कि पीयर टू पीयर मॉडल इस लिहाज से भी यूज नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके अलावा क्लाइंट सर्वर मॉडल में हमने ये देखा कि एबिलिटी एक के पास। अब मुझे ये बताएं कि अगर ऐप में हम हर बंदा अपने पास ऐप डाउनलोड करे और हर बंदे के पास ये एबिलिटी हो कि वो उसमें चेंजेस कर सके तो क्या वो ऐप नेशनल लेवल पे चल सकेगा? नहीं चल सकेगा ना, यानी हमें एबिलिटी एक बंदे के पास रखनी है उसकी। उसके बाद है कि ये क्लाइंट सर्वर मॉडल इजी टू मैनेज है जबकि पीयर टू पीयर मॉडल हार्ड टू मैनेज है, इसको मुश्किल होता है मैनेज करना क्योंकि हर एक के पास अथॉरिटी है ना इसलिए। उसके बाद क्लाइंट सर्वर मॉडल में ये होता है कि इसमें सॉफ्टवेयर सिर्फ एक सर्वर पर इंस्टॉल करना होता है और फिर सारे क्लाइंट्स के पास उसको शेयर करना होता है सिर्फ, जबकि पीयर टू पीयर मॉडल में हर कंप्यूटर के अंदर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि सबके पास अथॉरिटी होगी ना उसको उसमें चेंजेस वगैरह करने की। और क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो एक पावरफुल कंप्यूटर हमें सर्वर के तौर पर चाहिए होता है इसमें, जबकि पीयर टू पीयर मॉडल में कोई सर्वर नहीं होता क्योंकि सारे ही सर्वर हैं और सारे ही क्लाइंट हैं इसमें, ठीक है, सारे ही एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं, सारे क्लाइंट भी हैं, ठीक है। तो ये इनका मेनली फर्क आपने देख लिया, लेकिन जो हमारी डिमांड है, जो हमारे क्वेश्चन में डिमांड की गई है, मुझे लगता है मेरे ये फर्क समझाने से ही आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज करेंगे। हाँ जी, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज करेंगे और उसी हिसाब से मैंने ये सोल्यूशन आपके सामने पेश किया है, ठीक है। मैंने सोल्यूशन आपके सामने दे दिया है कि दैट आई रिकमेंड द क्लाइंट सर्वर मॉडल फॉर द नेशनल सोशल मीडिया ऐप, ठीक है। उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि मैंने जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को कि भाई क्यों मैं कह रही हूँ कि मुझे ये करना चाहिए। अब मैंने पहले ही आपके सामने जस्टिफाई कर दिया, वजह बता दिया कि एक तो जो है पीयर टू पीयर मॉडल में कंट्रोल सबके पास होता है, एक के पास नहीं होता, दूसरा ये कि उसमें जो है वो हमारे पास वो छोटे नेटवर्क के लिए होता है, वो सारी वजूहत पता चल गई है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसका आंसर खुद भी लिख सकते हो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप मेरे सोल्यूशन की तरफ जाए, लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं कर सकते मजीद तो उनके लिए मैंने सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है, इससे आप गाइडलाइन लेके आप सोल्यूशन जो है वो अपना तैयार कर सकते हैं।
अब सॉल्यूशन में आपको मजीद जस्टिफिकेशन इसकी बता देती हूँ जो मैंने लिखी है यहाँ पे। सबसे पास पहले बात यही है कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, यानी एक के पास कंट्रोल होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा कंट्रोल, ठीक है। द क्रूशियल जो क्लाइंट सर्वर मॉडल अलाउज फॉर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, एक के पास होता है, सर्वर के पास सारा कंट्रोल है, ठीक है। क्रूशियल फॉर मैनेजिंग, मैनेज उसको करना क्रूशियल है। थोड़ा सा ओवरसीइंग यूजर एक्टिविटीज, हम सारी एक्टिविटीज जितने यूजर यूज कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबल इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है कि नहीं। क्योंकि हमारा मकसद ही ये था ना कि जो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर होगी उसको रोकना है, और अगर सही इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है तो उसे आगे शेयर करना है। तो वो तभी हो सकता है जब कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड होगा, ठीक है, ठीक है। द सेंट्रल सर्वर कैन इन्फोर्स यूजर ऑथेंटिफिकेशन, जब एक बंदे के पास है तो जाहिर सी बात है वो यूजर को फोर्स करेगा कि पहले अपना सीएनआईसी नंबर दो, सिक्योर करेगा, इंश्योर करेगा कि वो वेरीफाई यूजर है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर डिसेंट्रलाइज्ड होगा, हर कोई अपनी मर्जी से यूज कर रहा होगा, तो फिर आप उसको नहीं कह सकते कि अपना सीएनआईसी नंबर डालो, क्योंकि हमारी डिमांड्स आपने पढ़ी है कि हमें कैसा ऐप बनाना है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग, कि इन्फॉर्मेशन वेरीफाई अगर करनी है तो डेफिनेटली उसके लिए भी तो हैंडलिंग किसी एक बंदे के पास किसी एक प्लेटफॉर्म पे तो होनी चाहिए ना। तो कहते हैं कि जब एक सर्वर होगा तो सर्वर का ये फायदा होगा कि सर्वर के पास जब से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाएगी तो वो अप्रूव करेगा उसको, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करने से पहले अप्रूव करेगा कि ये इंफॉर्मेशन अच्छी है या नहीं है, ठीक है। अच्छी होगी, वैलिड होगी तो वो आगे शेयर कर देगा, नहीं तो वहीं के वहीं रोक ली जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, जो हमें कहा गया था कि चैट की जा सकती है। तो कहते हैं रियल टाइम चैट और इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन की फैसिलिटी जब गया है बाय सेंडिंग चैट रिक्वेस्ट, जब वो चैट रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो मैनेज की जा सकती है क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर, ठीक है। एक क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा, तो इजीली ये चीजें उसमें हैंडल हो सकती हैं। जब आप कम्युनिकेशन की रिक्वेस्ट दोगे, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है, तो कंट्रोल दरमियान में बिल्कुल इजीली बना रहेगा, और एक स्मूथ और कंट्रोल्ड जो है वो कन्वर्सेशन हो सकेगी। अगर सभी अपनी मर्जी चलाएंगे तो फिर वो एक कंट्रोल नहीं रहेगा, स्मूथ कन्वर्सेशन नहीं हो सकती। एक इधर वाला किसी से कर रहा है, उधर वाला किसी से, सबकी बातें बीच में खराब हो जाएंगी। वो एक कंट्रोल नहीं रहेगा कि क्या बात चल रही है या क्या आपस में कन्वर्सेशन हो रही है। अगले बात है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस, द सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल फैसिलिटेट्स इजियर एडहेरेंस टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि कोई बीच में गलत चीज ना हो, डाटा की प्रोटेक्शन या फिर कंटेंट की मॉडरेशन या जितने लीगल स्टैंडर्ड्स हैं या लीगल पॉलिसीज हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए जरूरी है कि एक चीज के पास एक सेंट्रलाइज्ड नेचर हो काम की, और वो क्लाइंट सर्वर मॉडल ही सिर्फ फैसिलिटेट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन, बात फिर से अगेन वही आ गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें हर यूजर को यूज करने से पहले हमने कहा है कि हम डिमांड करेंगे कि वो अपना सीआईसी नंबर डाले, सीएनआईसी नंबर डालेगा तो हमें पता चलेगा कि वो यूजर हमारा ऑथेंटिफाई है, ठीक है। तो ये चीज करने के लिए कि सिक्योरिटी और ऑथेंटिफिकेशन के लिए हम जो है ये मॉडल यूज कर सकते हैं, जो हम सबसे पहले उससे उसका सीएनआईसी नंबर मांगेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे कि हाँ ये रिलायबल है, तो फिर हम उसकी इन्फॉर्मेशन आगे शेयर करेंगे। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी, द क्लाइंट सर्वर मॉडल अलाउड फॉर इजी scalability as the server can be scaled up to handle increased user loads. अच्छा, स्केलेबिलिटी, स्केलिंग का जो है कंसेप्ट भी आपने पढ़ा होगा कि जब बहुत ज्यादा काम आ जाता है, जब बहुत ज्यादा काम आता है तो उसमें क्या किया जाता है कि कंप्यूटर उस काम को छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर देता है, सब टास्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर उस काम को जो है वो किया जाता है। तो ये चीज भी क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो हमें फैसिलिटेट करता है कि हमारा जब अगर यूजर का लोड ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी स्केलिंग की जा सकती है ताकि स्मूथ तरीके से जो है वो ऐप ग्रो कर सके, ठीक है। तो ये जो है वो हमें जो एक कह सकते हैं कि बेनिफिट है, ये भी क्लाइंट सर्वर मॉडल में ही मिलता है। फिर आखिरी है कि फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि जो हमें बात कही थी कि उसमें लाइक्स और कमेंट्स वाला भी ऑप्शन होना चाहिए, तो लाइक्स और कमेंट्स का जो फीचर है कि एक्सप्रेस कर सकें लोग, ये चीज भी जो है वो तभी हो सकता है जब एक सर्वर हो कि उसके पास इंफॉर्मेशन है, वहाँ शेयर हुई है, सारे उस पर लाइक्स और कॉमेंट्स कर सके, ठीक है, ये तभी हो सकती है। तो ये चीज भी हमने इसमें दी है। और आखिर में मैंने ये भी बता दिया कि हम पीयर टू पीयर मॉडल को क्यों चूज नहीं कर रहे। एक तो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से कि कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है उसमें, दूसरा उसको मैनेज करना मुश्किल है, तीसरा उसमें ऑथेंटिफिकेशन और कंट्रोलिंग का सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, इस वजह से हम उसको यूज नहीं कर रहे, ये चीज मैंने बता दी हुई है। तो ये था आपके क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।
इस तरीके से कि सबका सेम भी नहीं होगा, आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे और आप पे कॉपी पेस्ट का भी जो है वो नहीं आएगा। और मैं फिर भी यही कहूंगी कि अगर आप चाहें तो इसको मोल्ड करके, आप इसको वर्डिंग चेंज करके, क्योंकि मेरा मकसद था आपको कंसेप्ट समझाना, वो मैंने समझा दिया। आप अगर खुद कोशिश करें तो इसको आप खुद भी लिख सकते हैं। तो ये था आपके क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं रही होगी अपने क्वेश्चन या उसके आंसर के बारे में। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी किस्म का सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर आप जो है फॉलो करें, वहां पे आपको जो है वो रेगुलर बेस पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी वीडियोज में बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।